नाम जपो, ईमानदारी से काम करो और दान करो, ये तीन बड़ी सीख दुनिया को देने वाले गुरु नानक देव जी को उनकी 554वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। संस्कारधानी में सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड में प्रकाश पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने श्रद्धापूर्वक लंगर चखा। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती संस्कारधानी में धूमधाम से प्रकाश पर्व के रूप में मनाई गई। सदर के गैरिसन ग्राउंड में हुजूरी रागी जत्था भाई गुरप्रीत सिंह एवं साथियों ने गुरुवाणी शब्द कीर्तन पेश किया। शब्द जाने हर नाम हर रस को गुरु का अटूट लंगर दिन भर चला। हजारों लोग इसमें श्रद्धा पूर्वक शामिल रहे। चारों तरफ गुरुवाणी की गूंज रही। धन श्री गुरु नानक देव जी का 554वां जन्मोत्सव है, जिसको हम प्रकाश पर्व कहते हैं। बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ पूरे सिख संगत के द्वारा, सभी धर्मों के द्वारा, सिखों और हिंदुओं के द्वारा यहाँ गैरिसन ग्राउंड सदर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सिख धर्म के जो मूल सिद्धांत थे गुरु नानक देव जी के, कीर्त करो वंड छको, उसी आधार पर ही आज उस इस समागम का आयोजन किया गया है। अथा लंगर यहाँ पर जो है वो संगतों को खिलाया जा रहा है। गुरु नानक साहब का जो एक ही सूत्री कार्य था, नाम जपो, कीर्त करो और वंड छको, ये तीन सिद्धांत मूल सिद्धांत पे सिखिज्म बना था, और आज उसी प्रकाश पर्व को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनकी जो एकाग्रता थी, उनकी जो मानवता और भाईचारा था, उस मानवता और भाईचारे के लिए हम आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन गुरु महाराज के प्रकाश पर्व की आप सबको लख लख बधाई। सिख संगत के द्वारा लोगों को गुरु नानक देव जी के संदेशों से अवगत कराने के लिए भजनों का आयोजन किया गया। दिन भर गुरु ग्रंथ साहिब का दरबार सजा रहा। हजारों लोगों ने ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का भेद भुलाकर साथ में बैठकर लंगर चखा और इंसानियत एवं भाईचारे का संदेश दिया।